डियर यंग डियर फ्रेंड्स कैसे मेरे के बच्चों और मेरे मित्रों पेपर तो खत्म हो गए होंगे एंड इट्स टाइम टू एंजॉय एंजॉय करने का टाइम आ गया होगा है ना और मार्क्स भी तो मिलने हैं ना फिर घर में डांट भी तो पढ़नी है ना ओके okay, ना कोई बात नहीं है और अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा कंटिन्यू करके रखिए थोड़ी जो छुट्टियाँ हुई हैं उनमें भी थोड़ी पढ़ाई कर लीजिए तो ये सुनाओ यू आर मोस्ट वेलकम इन आया थॉट इन इंग्लिश टीचर इन और आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स इंग्लिश पूर्वी यूनिट फाइव का कल्चर एंड ट्रेडिशन और पोम काइट्स के एम करने जा रहे हैं और क्योंकि ये स्टेंजा वाइज है तो इसीलिए इसका स्टेंजा जो है वो देना जरूरी है नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द कॉम्प्रीहेंशन और एम नाउ आप इन द एयर हवा में ऊंचा सी द काइट्स फ्लाई आप देखते हैं पतंगों को उड़ते हुए लाइक कलर्ड बर्ड्स और काइट्स की कंपैरिजन की है रंगीन पक्षियों से बिल्कुल रंगीन पक्षियों की तरह इन विंड वेप्ड स्काई हवा से भरे हुए आसमान में पक्षियों की तरह पतंगे ऊपर हवा में उड़ती हैं ओके okay? नाउ यहाँ पे आ जाइए वट कैन वी सी इन द एयर हम हवा में क्या देख सकते हैं हम हवा में देख सकते हैं अ क्लोथ अ काइट अ बोर्ड नन तो हम हवा में देख सकते हैं बेटा यहाँ पे मैं टिक करना भूल गई हूं हम देख सकते हैं हवा में काइट ठीक है ना विथ विच द काइट्स आर कंपेयर्ड विथ काइट की कंपैरिजन किससे की गई है काइट की कंपैरिजन की गई है बर्ड्स से ओके okay? विच पोइटिक डिवाइस इज यूज इन विंड वेब्ड क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू से दोनों शुरू हैं तो इसमें यह है एलिट्रेशन ओके ना नेक्स्ट पर आइए नंबर टू आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर मैं इच्छा करता हूं कि मैं भी छोटा हो जाऊँ हल्का हो जाऊँ हवा जैसा आई वुड क्लिप ऑन अ काइज मैं पतंग के ऊपर चढ़ जाऊँ एंड सेल अप देयर और फिर मैं सेल का मतलब होता है जैसे जहाज पानी के अंदर सेल करता है तैरता है मैं बिल्कुल ठीक वैसे ही तैरू है यार यहाँ पर आई कौन है आई है यहाँ पर पोइट वट इज द पोइट विश पोइट की क्या इच्छा है टू क्लेम ऑन काइट पोइट की इच्छा है कि वह पतंग पर चढ़े नाउ नेक्स्ट इज अट इज काइट कंपेयर्ड ट इज काइट कंपेयर विद काइट की जो कंपेरिजन है वो किससे की गई है क्योंकि सेल जो होता है ना वो शिप 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 के लिए आता है यहां यहां शिप है दैट्स से से पर काइट की की कि वो हवा के अंदर जैसे पानी के अंदर जहाज तैरता है बिल्कुल ठीक वैसे ही पतंग हवा के अंदर तैरती है नंबर थ्री आई वो ड्रिफ्ट अपॉन और फिर मैं बह चलता हूँ पेपर विंग्स हवा में बह चलता हूँ और कागज के पर एंड हियर द सॉन्ग्स और मैं गानों को सुनता हूँ दैट द वाइल्ड wind sings जो कि जंगली हवा गाना गाती है ओके हु हैज विंग्स किसके पंख हैं काइट के है ना व्हाट डस द पोएट हियर वाइल्ड ड्रिफ्टिंग पोएट क्या सुनता है जब वो हवा के अंदर तैरता है वो सुनता है विंड सॉन्ग्स हवा के गाने विस्ट पोइटिक डिज यूज इन वाइल्ड विंड वाइल्ड विंड में जंगली हवा के अंदर कौन से पोइटिक डिवाइस का यूज है तो वो है एलिट्रेशन क्योंकि बेटर डब्ल्यू डब्ल्यू की रिपीटिशन हुई है नंबर फोर कॉम्प्रीशन नंबर फोर वॉट फॉन इट वुड बी कितना मज़ा होगा ये टू लुक राइट डाउन सीधा नीचे देखना ओवर द पार्क पार्क के ऊपर एंड द रूफ टॉप्स ऑफ द टाउन और घर की कस्बे की छतों को देखना वट डज द पोइट सी while सेटिंग ऑन द काइट और पोइट क्या देखता है जब वो पतंग पर बैठा होता है तो वो देखता है वैसे तो रूफटॉप भी देखता है लेकिन इसमें ऑप्शन रूफ टॉप नहीं है ओनली पार्क तो वो पार्क को देखता है हाउ डज द पोइट फील पोइट कैसा महसूस करता है पोइट महसूस करता है joy, फन enjoy ऑल द अबव तो पोइट सब कुछ महसूस करता है दैट्स आई द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव नेम दोवम पोम का नेम क्या है पोम का नेम काइट्स द रैन एंड दॉक वोट अ बर्ड थॉट तो पोएम का नाम है काइड्स नंबर फाइव द पीपल बिलो नीचे क्योंकि पोइट तो पतंग के ऊपर बैठ के उड़ रहा है नीचे जो लोग हैं वो ड स्टैंड एंड स्टेयर खड़े हैं घूर रहे हैं एंड विश दे वर मी हाई हाई इन द एयर और वो लोग भी इच्छा कर रहे हैं कि वो भी मेरी तरह बन जाए और हवा में ऊँचे ऊँचे पतंग पर बैठ कर उड़े वट वार दीपल जूंग वट वैसे यहाँ वर आना चाहिए बेटा वट वर द पीपल जूंग जस्ट अ मिनट यहाँ पर क्योंकि पीपल जो है ना प्लूरल होता है गलती से आ गया है वॉट वार दीपल जूंग लोग क्या कर रहे हैं नीचे खड़े हैं स्टेयर घूर रहे हैं स्टैंड एंड स्टेयर नन खड़े भी हैं और घूर भी रहे हैं तो वो खड़े भी हैं और घूर रहे हैं द करेक्ट आंसर इज स्टैंड एंड स्टेयर वॉट द पीपल वॉन्ट लोग क्या चाहते हैं टू फ्लाई ऑन द काइट वो भी पतंग पर पोइट की तरह उड़ना चाहते हैं विच पोइट्रिक डिवाइस इज यूज इन हाई हाई यहाँ पर बेटा दो बार हाई हाई आएगा जस्ट uh, मिनट मैं एक बार और हाई लिख देती हूँ यहाँ पर दो बार हाई आएगा ठीक है तो यहाँ पर ये जो ना हाई वर्ड जो है ना यहाँ छुट गया है जब दो बार इस सेम वर्ड की रिपीटिशन होती है ना तो वहाँ पर रिपीटिशन होती है रिपीटिशन पोटिक डिवाइस है ओके यस नाओ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड माई डियर फ्रेंड्स दिस इज वाई न्यू चैनल प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा लाइक शेयर तो आपने कमी कर ही दिया होगा और कमेंट तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय